इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां बाड़ी में एक टैंकर पलट गया है और उससे भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि भीषण आग देखकर आसपास के क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। टैंकर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। रायसेन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि रायसेन में आज बाड़ी में ये टैंकर पलटा है और जिससे भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने आवागमन पूरी तरीके से इस वक्त बंद करा दिया है और आसपास के क्षेत्र में काफी हड़कंप मचा हुआ है। NH-45 के बाड़ी के नागिन मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है रायसेन से, जहां बाड़ी में एक टैंकर पलट गया है और इस हादसे में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस आग ने क्या विकराल रूप लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये रायसेन की घटना है, जहां 3 झुग्गियों में भी आग लग गई है। बता दें कि जान बचाकर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और आसपास के क्षेत्र में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि लगातार 5 फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की मशक्कत कर रहे हैं। पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी खबर रायसेन से आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से इस आग ने ये विकराल रूप ले लिया है और लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग की वजह से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो पुलिस ने पूरी तरीके से आवागमन बंद करा दिया है। NH-45 के बाड़ी के नागिन मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। ये रायसेन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टैंकर पलट गया है और ब्लास्ट होने की वजह से भीषण आग लग गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास की 3 झुग्गियों में भी आग लग गई है और लोग जान बचाकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां आज ये बड़ी घटना देखने को मिली। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। अभी भी टैंकर ड्राइवर और क्लीनर लापता बताए जा रहे हैं। ये अहम जानकारी सामने आ रही है रायसेन से, जहां अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायसेन से संवाददाता नारेंद्र राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इतनी बड़ी घटना रायसेन में हुई है, आग पर किस तरीके से काबू पाया जा रहा है और अभी की स्थिति की बात करें तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? नारेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि रायसेन से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया है और यहाँ पर एक टैंकर पलट गया है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बता दें कि आसपास की झुग्गियों में भी आग लगी है और लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मच गया है और पुलिस ने पूरी तरीके से आवागमन को बंद करवा दिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या माहौल है अभी रायसेन में? जिस तरीके से आज ये बड़ा हादसा हुआ है, किस तरीके से आग पे अभी काबू पाया जा रहा है? नरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायसेन से, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आग लगी है और आज यहां बाड़ी में एक टैंकर पलट गया है, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद भीषण आग लग गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आग ने ये विकराल रूप लिया है और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की मशक्कत और प्रयास में लगातार जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस ने पूरी तरीके से सभी तरीकों की गाड़ियों का आवागमन इस वक्त उस रोड पर बंद कर दिया है। NH-45 के बाड़ी के नागिन मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आग को बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करती हुई नजर आ रही है।
रायसेन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लग गई है। बता दें कि आसपास की 3 झुग्गियों में भी आग लगी है और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरी तरीके से टैंकर जलकर खाक हो गया है। आसपास के क्षेत्र में आग लगने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और 5 फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास कर रही है।